यस क्लास 11 आप लोगों ने फोटोग्राफ तक पूरा कर लिया होगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग यार लेसन नंबर थर्ड। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। इसका मतलब है अगर हम एक साथ हैं तो हमें मरने का डर नहीं होता। बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बड़ा लेसन है। इसको ग्रेजुअली मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक या दो क्लास आपको लगेगी, फिर उसके बाद अपन इसका आगे देखेंगे। ये ब्लू कलर में मैंने इसमें इसका टेक्स्ट को कॉपी किया है और नेक्स्ट पार्ट में मैंने इसके वर्ड कठिन दिए हुए हैं और उनका मीनिंग बताया है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन जुलाई 1976 माई मेरी सन जोनाथन 6 ईयर डॉटर सुजेन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम पॉलीमॉथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। 1976 की ये स्टोरी बता रहा है जब ऑथर की वाइफ मेरी सन जोनाथन और डॉटर सुजेन इन लोग पॉलीमॉथ इंग्लैंड से पूरे वर्ल्ड के लिए, जो इसके पहले कैप्टन कुक ने कर चुका था, वर्ल्ड पे निकले। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई हैड अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन हैड ड्रीम ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेजर टाइम हॉन्डरिंग अवर सी फॉर्मिंग स्केल इन ब्रिटिश वाटर। अवर बोट वेव वॉलकर आ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ट ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनल बोल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इन अवर टेस्टिंग इट फॉर द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। यानी इनका जो एक ड्रीम था, जो 16 साल पहले इन्होंने तैयारी करना शुरू करी कि वो ऐसी बोट बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड के लिए जाएंगे और ये कठिन से कठिन मौसम में भी ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। अब इस मीनिंग में या इस स्टेटमेंट में जितने भी कठिन वर्ड आए हैं उनका मीनिंग ये है। वॉयस, वॉयस का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस। जब आप बहुत दूर की यात्रा पर समुद्र में या स्पेस में जाते हैं, ये स्पेस में भी वर्ड यूज होता है और समुद्र में भी होता है। लेजर, फ्री टाइम, जब आप फ्री टाइम होते हैं दैट इज कॉल्ड लेजर। हॉनिंग, शार्पन, इम्प्रूविंग। सी फरिंग, रेगुलरली ट्रेवल बाय द सी। जो लगातार, जैसे मछुआरे लोग समुद्र में रेगुलर जाते रहते हैं। हॉनिंग अवर सी फॉरिंग स्किल, इम्प्रूविंग द स्किल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल बाय सी। इस पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग है कि जैसे जैसे आप समुद्र में जाते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं कि हम कैसे जाएं, क्या करें, यह मीनिंग है। वुडन हल्ड, अ वाटर टाइट बॉडी ऑफ अ शिप। आपने बोट वगैरह देखी होगी, ठीक वही, उसी को इसने वुडन हल नाम दिया हुआ है जो शिप की शेप में है। अब इसका मीनिंग क्या है देखिए। द नरेटर 37 ओल्ड बिजनेसमैन अलोंग विथ हिज वाइफ मैरी एंड टू चिल्ड्रन जोनाथन एज 6 एंड सुजैन 7 वेंट टू अ वॉयज ऑन देयर शिप इन 1976। 1976 में ऑथर अपने दो बच्चों के साथ और वाइफ के साथ पूरे वर्ल्ड टूर पर निकला। दे स्टार्टेड फ्रॉम पॉलीमॉथ इंग्लैंड। दे वॉन्टेड टू कंप्लीट द शी ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक द वन दैट हैड बीन कंप्लीटेड 200 ईयर्स एगो बाय फेमस कैप्टन जेम्स कुक। वो वही करना चाहते थे जो आज से 200 साल पहले जेम्स कुक नामक एक फेमस कैप्टन ने किया हुआ था। द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर इम्प्रूविंग देयर सी फॉरिंग स्किल। इसको जाने के लिए सी फॉरिंग रेगुलरली ट्रेवलिंग बाय सी, यानी उन लोगों ने बार 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 क्या हुआ, समुद्र में जाकर अपने आप को इम्प्रूव किया।
They got a ship built professionally, a 23-meter-long, 30-ton-heavy wooden hull called Wave Walker. उन्हें एक 23 मीटर लंबी और 30 टन, ठीक है, 30 टन की एक नाव बनाई. दे टुक सेवरल मंथ टू टेस्ट द रफेस्ट ऑफ वेदर. उन्होंने क्या कर दिया, बहुत लंबे महीनों तक इसकी टेस्टिंग करना शुरू करी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर इसका सेकंड पैरा स्टार्ट होता है. ठीक है, द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लेनेट थ्री अर्थ 10500 किलोमीटर जर्नी पास प्रेजेंटली एज वी शेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. अभी इनकी 105,000 किलोमीटर की जर्नी अच्छे से होता चली गई थी. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक टू क्रूमेन अमेरिकन लैरी विजेल एंड सिस हर्फ सेगलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी टू सदर्न इंडियन ओशन. जब वो हिंद महासागर के दक्षिण की ओर निकले तो उनके साथ दो क्रूमैन यानी जो समुद्र जहाज में वर्क करते थे. ऑन अवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक. दे ब्लू कंटिन्यूसली. गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 50 मीटर एज हाई अवर मेन मास्ट. यहाँ पर हो तो देखिए कुछ वर्ड है मास्ट, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड है, ये हो गया मास्ट हो गया, ठीक, गेल्स हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है, इनका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, गेल्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. ठीक है, जैसे समुद्र में तूफान वगैरह आता उसको हम गेल्स बोलते हैं. मेस्ट द टॉल अपराइट स्ट्रक्चर बोर्ड और शिप. जैसे आपने हो तो देखा होगा एक बहुत ऊंची नाव होती है, इसी को मैस्ट बोलता हूँ. इस पैरा का मीनिंग क्या है, इनिशियली फेस ऑफ द 3 इयर्स लॉन्ग जर्नी 1,500 किलोमीटर पास्ड प्लीजेंटली, यानी इतनी उनकी 105,000 की जर्नी आराम से चल रही थी. दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. वो अफ्रीका के पश्चिम किनारे से केप टाउन तक गए. द नरेटर हायर टू क्रूमैन. इसने दो क्रूमैन को यानी शिप में काम करने को हायर किया बिफोर हेडिंग टूवर्ड द ईस्ट टू टैकल द रफेस्ट सी द सदर्न इंडिया इंडियन ओशन. दक्षिण भारत के हिंद महासागर के समुद्र तट को या समुद्र को क्रॉस करने के लिए इनने दो क्रूमैन को भी लिया. वो शायद समुद्र का सबसे कठिन यात्रा कहलाती थी. देयर नेम्स वेर लैरी विजेल एंड अमेरिकन एंड हर्फ सेगर और स्विस के और अमेरिका के दो लोगों को लिया. ऑन द सेकेंड डे इन केप टाउन दे एनकाउंटर अ स्ट्रॉन्ग विंड विच कंटिन्यूड फॉर सेवरल वीक. अब तो गिल्स आई यानी जो समुद्री तूफान आया वो उनके साथ लगा रहा जो कई दिनों तक साथ चलता रहा. अ स्ट्रॉन्ग विंड वॉज नॉट अ प्रॉब्लम बट 15 मीटर हाई वेव विच वेयर द हाइट ऑफ द मास्ट वरीड द नेरेटर. तो देखिए क्या हो गया, 15-15 मीटर की ऊंचाई तक वेव चलती रही जो इसको ले जाने के लिए चिंताकारी थी, क्योंकि वो पूरी शिप को क्या कर दे रहे थे, डुबा दे रहे थे. ठीक है, तो ये हमारे पास इन दो पैरा का मीनिंग है, इसको रीड करके रखिएगा. दिसंबर 25 फाउंड एज 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री. न्यू ईयर
they saw no improvement in the weather, but we reasoned that it has to change soon, and I did change for the worst. A dawn on January 2, the wave were gigantic. We were sailing with only a small storm jib, and we were still making 8 knots. As the ship rose to the top of the each wave, we could see endless, enormous sea rolling toward us, and the screaming of wind and spray was painful to the ear. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifeliness, don't oil skin and life jackets and waited. अब क्या करिएगा, इसको एक बार रीड करिएगा. रीड करने के बाद नीचे मैंने यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, ठीक है. इन वर्ड का मीनिंग आप जरूर देखिएगा. दीस आर द इम्पोर्टेंट वर्ड. देखिए, एट्रोसियस बैड, बहुत खराब वेदर हो गया उसका. गैग्नेटिक यूज और विग साइज, बहुत बड़े साइज को हम क्या बोल देते हैं, गैग्नेटिक बोल देते हैं, ठीक. जिप, अ ट्रायंगुलर स्टेसेल सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन द शिप. आपने देखा होगा शिप के सामने ऐसा ट्रायंगुलर शेप का ऐसा उठा होता है, इसको हम जिप बोल देते हैं. नॉट्स, अ यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल पर माइल आवर यूज स्पेशली ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट और विंड. देखिए, आपने नॉटिकल यूनिट पढ़ी होगी. नॉटिकल यूनिट कहाँ मेजर की जाती है, समुद्र में या ऊपर मेजर की जाती है, उसी को नॉट्स बोलते हैं. नॉर्मस, बहुत सारे नंबर. लेस्ड अ हिट विद अ लॉट फोर्स. मूनिंग, द रोप्स चेन एंकर बाय विच अ बोट शिप और वॉयस इज मूव. आपने वो तो देखा होगा, कभी गौरी घाट वगैरह में जाइए तो वो शिप को या बोट को किनारे बांधे रहते हैं, वही मूनिंग कहलाता है. लूप, अ शेप ऑफ प्रोडक्ट दैट बेंड राउंड एंड क्रॉस बेंड. कोई चीज लूपिंग होती है, गोल गोल घेरे में होती है, इसको लूप बोल देते हैं. स्टर्न, द बैक पार्ट ऑफ शिप ऑफ बोट. स्टर्न यानी बैक पार्ट ऑफ बोट. डोंट पुट ऑन वोर, यानी आपने क्या हुआ, जो पहना हुआ है अपने ऊपर धारण किया हुआ है, वो डोंट कहलाता है. ऑयल स्किन्स, हैवी कॉटन क्लोथ, वाटर प्रूफ विथ ऑयल. जो अपन वाटर प्रूफ चीज होती है, जैसे आपके पास क्या कहलाता है, पॉलीथीन वगैरह लगा देते हैं, वो ऑयल स्किन कहलाती है. इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ऑयल स्किन, जो वाटर से प्रोटेक्ट करती है हमें, दैट इज नोन एज ऑयल स्किन. अब जो लिखा हुआ है वर्ड को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इन ऑन दिसंबर 25th they had traveled 3,500 kilometers each to keep Cape Town. अब वे Cape Town के पूर्व में 3,500 kilometers चल चुके थे. They celebrated Christmas together despite the wet weather. वेदर या मौसम बहुत खराब था, तब भी उन्होंने क्रिसमस मनाया. The weather remained the same till New Year Day, but they hope to change soon. उनका वेदर बहुत तेजी से चेंज हो गया था, ठीक है, लेकिन वो होप कर रहे थे कि परिवर्तन होकर रहेगा. द वेदर कंडीशन वर्सन ऑन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ जुलाई जनवरी 2, द वेव वेयर वेरी ह्यूज. अब 2 जुलाई को और ऊंची ऊंची लहरें आने लगी. देवर सेलिंग विद अ स्मॉल स्टॉर्म जिप आ स्पीड ऑफ 8 नॉट. अब आप देखिए, उनकी जो वेव्स आ रही थी या लहरें आ रही थी, उनकी स्पीड और बढ़ गई. व्हेन द शिप वॉज सेलिंग विद द ह्यूज वेव, दे कुड नॉट सी द ह्यूज सी इन फ्रंट ऑफ देम. अब बहुत ऊंची ऊंची लहरें बढ़ रही थी, तो वो सामने समुद्र भी दिखाई देना बंद हो गया. द नॉइज ऑफ द वेव्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड वॉज पेनफुल टू द ईयर.
अब वो उनको डराने लगी थी, ठीक है, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें और आवाज आ रही थी। दे ड्रॉप द स्टॉर्म टिप टू स्लो डाउन द शिप एंड हिट अ वेरी मॉर्निंग रोप अक्रॉस द बैक पार्ट ऑफ द शिप टू अ लूप। उन्होंने ऐसा गोला करके ऐसा जो उसका ऊपर है इसको मोड़ दिया और पीछे से होता बांध दिया। दे लैश्ड एवरीथिंग विद डबल फोर्स, वो हर चीज को दुगनी ताकत से खींच रहे थे। दे पुट देयर ऑयल स्केल एंड लाइफ जैकेट अटैच्ड लाइफ लाइन एंड वेंट थ्रू द रैप ड्रिल एंड वेटेड। अब वे सब लोग क्या हो गए, अपने ऊपर एक ऑयल स्किन यानी जो पानी में भी नहीं भीगे और जैकेट वगैरह पहन के वो जो समुद्र जो शिप के आगे वाला पार्ट है वहां पर चले गए और वेट करने लगे। ठीक है, इतना आप नोट करके रखें।